के मंत्री, उनके लिए एक शेर है उनके इस्तकबाल के लिए कि पढ़ो मेरे सरापे पर मेरा ईमान लिखा है, पढ़ो मेरे सरापे पर मेरा ईमान लिखा है, मैं अखिलेश यादव हूं, मेरे चेहरे पे हिंदुस्तान लिखा है। तो स्वागत कीजिए हर दिल अजीज, हम लोगों के रहबर युवा, एक ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने विकास की गंगा पूरे उत्तर प्रदेश में बहाई, और आज हम लोगों की खुशनसीबी है कि हम लोग उनके विचार सुनेंगे। और ठाकुर मूलचंद चौहान जी को आने वाली 15 तारीख को इतने वोटों से जिताएंगे दोस्तों कि जो नोटबंदी का नाटक बीजेपी के लोगों ने किया था, ये वोटबंदी का काम करके आप दिखा देना अपनी ताकत, और बता देना कि एक लाइन और लगेगी इंशाअल्लाह ताला, और वो लाइन 15 तारीख को शुरू होगी, और वो ऐसी लाइन होगी ऐतिहासिक कि इन दुश्मनों के हौसले पस्त हो जाएंगे। आप मंत्री जी को कम से कम लाख वोटों से जिता के भेजने का काम करना, और इंशाअल्लाह हम उन लोगों को कैबिनेट मंत्री बनवाएंगे इस बार, ताकि मुख्यमंत्री से गुजारिश करेंगे आज इस मंच से कि हमारे रहबर माननीय मूलचंद ठाकुर मूलचंद चौहान जी को इतनी ताकत दें, इतना विकास धामपुर सिवारा शिरकोट और तमाम ग्रामीण क्षेत्रों में हो। मैं इस्तकबाल करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी का, वो हम लोगों के बीच आ रहे हैं, तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का आप लोग स्वागत करें। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं और फैसल भाई को मौका देता हूं। अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज। जिस घड़ी का इंतजार था वो लम्हात दूर हुए। आपके हरदिल अजीज, आपके रहनुमा, आपके चहेते समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब अखिलेश यादव जी तशरीफ ला चुके हैं। मैं एक बार आपसे कहूंगा कि उनके इस्तकबाल में एक बुलंद नारा लगाएं, अखिलेश यादव, अखिलेश यादव, अखिल भाई जोर से कहिए अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव, ठाकुर मूलचंद चौहान। अखिलेश यादव जी जो कि मंच के करीब तशरीफ ला रहे हैं, हमारे हरदिल अजीज, हमारे रहनुमा अखिलेश यादव जी तशरीफ ला चुके हैं। एक शिद्दत से जिस वक्त का आप इंतजार कर रहे हैं, वो घड़ियां पूरी हो चुकी हैं, वो लम्हात पूरे हो चुके हैं जिन लम्हात का बेसब्री से आपको इंतजार था। मंच पर तशरीफ ला चुके हैं हमारे हरदिल अजीज रहनुमा जनाब अखिलेश यादव जी, जोरदार तालियों से स्वागत करें अखिलेश यादव, अखिलेश यादव, अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी। दोस्तों अजीज साथियों, आपके हरदिल अजीज रहनुमा, मैं बगैर किसी तमहीद के मैं ठाकुर मूलचंद चौहान जी से गुजारिश करूंगा कि हमारे हरदिल अजीज मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब अखिलेश यादव जी का स्वागत करें। आज प्रेम इंटर कॉलेज में हमारे युवा सम्राट, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम श्रद्धेय आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मैं धामपुर हवाई गमन पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, 5 साल के अंदर जितना विकास आपके धामपुर विधानसभा क्षेत्र में और पूरे उत्तर प्रदेश में हुआ है, इतना बड़ा विकास आज तक आजादी के बाद कभी नहीं हुआ। और नई नई योजनाओं के साथ किसानों का भुगतान 25 रुपए क्विंटल बढ़ाया गन्ने का रेट, और एक मुश्त पैसा मुख्यमंत्री जी ने आपको दिलवाया है। साथ मैं अंत में आप सबका और माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों जी साथियों, मैं बगैर किसी तमहीद के इस शेर के साथ जनाब अखिलेश यादव जी को बुला रहा हूं, जिनके होठों पे हंसी पांव में छाले होंगे, बस वही लोग तेरे चाहने वाले होंगे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अखिलेश यादव, अखिलेश यादव, अखिलेश यादव, अखिलेश यादव,
अखिलेश यादव ठाकुर मूल चैतून ठाकुर मूल चैतून। इस चुनावी जनसभा के अध्यक्ष मुफ्ती कमर साहब, हम जिसके लिए आपसे निवेदन और अपील करने आए हैं, हमारे साथ मंत्री आदरणीय मूलचंद चौहान जी, दूसरे प्रत्याशी हमारे जो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं हुसैन अहमद अंसारी जी, और तीसरे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मुन्नालाल प्रेमी जी, कांग्रेस के ही हैं वैसे, दो कांग्रेस के प्रत्याशी एक समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी, इन तीनों की मदद कर करके जिता करके एक बार फिर समाजवादी सरकार बनवा देना। साथ ही साथ मंच पर उपस्थित हैं हमारे मौलाना अनवर साहब, राशिद हुसैन जी, रशीराम यादव जी, शीश, बड़ी संख्या में हमारे कार्यकर्ता जो मंच पे नहीं आ पाए, पीछे खड़े हुए हमारे तमाम समाजवादी साथी, और इस चुनावी जनसभा में और उस मंच पर उपस्थित हमारे सभी समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता, इस चुनावी जनसभा में उपस्थित हमारे किसान भाई, बुजुर्ग, माताएं, बहनें, नौजवान साथी, पत्रकार बंधुओं, सबसे पहले मैं आप सबका धन्यवाद और आभार प्रकट करूंगा इस ऐतिहासिक जनसभा के लिए। अभी मैं देख रहा हूं मैदान तो भरा है ही, ये दीवार भरी पड़ी है, लोग छतों पे भी हैं, ये छत थोड़ी कम दिख रही लेकिन वो छत ज्यादा भरी हुई दिखाई दे रही हमें, लोग सड़क पे भी हैं, हमें भरोसा है कि आने वाले समय में जब वोट पड़ेगा तो यहां से समाजवादी पार्टी ऐतिहासिक वोटों से जीत करके जाएगी। हम तो कहते हैं कि समाजवादियों पे कम से कम लोगों को भरोसा है, और इधर जो लगातार समाजवादी पार्टी ने काम किया लोगों पे उस पर भरोसा है, चाहे वो 108 हो, 102 एम्बुलेंस जो चलाने का काम किया, चाहे जो बिजली का इंतजाम जो बेहतर कर दिया, पुलिस के लिए भी 100 नंबर शुरू कर दिया, आपके तमाम सुविधाएं देने का काम किया, चाहे समाजवादी पार्टी ने लैपटॉप बांटा हो और चाहे समाजवादी पेंशन हमारी माताओं बहनों को देने का काम हुआ, साथ ही साथ हमारी बेटियां और आगे पढ़ाई कर सकें, समाजवादी लोगों ने कन्या विद्यादान देने का भी काम किया है, शादी में मदद हो उसके लिए 10,000 से 20,000 रुपए की भी मदद कर दी, नौजवानों को नौकरी मिले, रोजगार का इंतजाम हो, तो सरकारी नौकरियां तो दी हैं, साथ ही साथ इतनी पुलिस भर्ती कभी नहीं हुई होगी जितनी समाजवादी सरकार में भर्ती होने का काम हुआ है। इसलिए साथियों, एक तरफ तो काम है, उपलब्धियां हैं, वहीं दूसरी तरफ हमें और आपको सबको परेशान कर दिया एक दल ने, बीजेपी के लोगों ने, काले धन के नाम पर, भ्रष्टाचार के नाम पर, बताओ हमें और आपको सबको लाइन में लगा दिया कि नहीं लगा दिया लाइन में, बैंकों के सामने खड़ा होना पड़ गया, इतने लोग तकलीफ में कभी नहीं आए, परेशानी में कभी नहीं आए, और बताओ आज तो सब पैसा उनके पास जमा है, कोई हमें बता दे यहां पर किसी पे 500,000 रुपया पुराना बचा, सब जमा करा लिया, और वो वादा जो किया था उन्होंने कि हम गरीबों को 15 लाख रुपए भेजने का काम करेंगे, बताओ किसी के अकाउंट में 15,000 रुपए भी आए हो तो बता दो, लोगों की जान चली गई, जो मेहनत का पैसा, ईमानदारी का पैसा, ईमानदारी का पैसा जो कमाया था कारोबार करके, रोजगार करके, छोटा मोटा व्यापार चला करके, दुकान लगा कर ठेला, हमारे किसान से लेकर के मजदूर तक का पैसा ले लिया वापस, लोगों की जान चली गई, कोई मदद नहीं की इन्होंने, अगर किसी ने मदद की है तो समाजवादी लोगों ने, उनके परिवारों की 2-2 लाख रुपए देकर के मदद की, हालांकि खबर पड़ी होगी अखबार में थोड़ा बहुत आया था, एक
बच्चे ने भी जन्म दे लिया ले लिया, बैंक में लाइन में लगे लगे एक नहीं बहुत सारे, और बैंक वालों ने उसका नाम खजांची रख दिया कोई मदद नहीं की, केंद्र सरकार ने अगर मदद की तो समाजवादी पार्टी ने उसको भी 2 लाख रुपए दे दिया। और हम तो कहते हैं एक बार फिर लाइन में लगेंगे लोग, और जब वोट डालने के लिए लाइन में लगेंगे तो इन बीजेपी के लोगों को सबक सिखाने का काम करेंगे। हमसे लोग कहते हैं कि कांग्रेस से दोस्ती हो गई आपकी, लेकिन आपने दोस्ती में सीटें ज्यादा दे दी, ये आरोप लगाते हैं। मैंने उन साथियों से कहा, प्रेस के लोगों से भी कहा कि दोस्ती मजबूत तब होती है जब बड़े दिल से दोस्ती की जाए। बहुत अच्छी बात है, हमें सीट ज्यादा देनी पड़ी हो, लेकिन बताओ अब कंफ्यूजन दूर हो गया क्या नहीं हो गया? कि जो दुविधा थी, लोग कंफ्यूज थे कि सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी, बताओ अब सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी? बनेगी। और फिर हम समाजवादी लोग तो ऐसे हैं कि कभी कभी हमें जोश और उत्साह में जब साइकिल चलानी होती है तो हैंडल का हाथ से हैंडल छोड़ देते हैं और पैडल मारते हुए साइकिल लेकर के जाते हैं। और अब तो कांग्रेस पार्टी का हाथ हैंडल पे है, तो बताओ कितनी तेज साइकिल चलेगी अब। इसलिए मदद करना इस बार। और हम तो कहते हैं कि आपका दोस्त अगर कंजूस है तो दोस्ती ज्यादा नहीं चलेगी, इसलिए कांग्रेस पार्टी को बड़े दिल से हम लोगों ने साथ लिया है। और हमें भरोसा है कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर के 300 से ज्यादा सीटों उत्तर प्रदेश में जीतने जा रहे हैं। आपने सुना होगा अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री कह रहे थे कि हमें उत्तर प्रदेश को स्कैम से बचाना है। जब लोग नहीं समझे कि कौन से स्कैम से बचाना है, तो उन्होंने बताया कि एस का मतलब है समाजवादी पार्टी, सी का मतलब है कांग्रेस पार्टी, ए का मतलब है अखिलेश, और एम का मतलब है हमारी बुआ जी। स्कैम से बचाना बताया उन्होंने, हमने भी कह दिया कि हमें भी स्कैम से बचाना है प्रदेश और देश को इस बार। और हमने भी परिभाषा दे दी कि सेव द कंट्री फ्रॉम, ए से नाम है अमित शाह और एम से नाम किसका है, मोदी। तो सोचो अगर उन्हें स्कैम से बचाना है तो हमें भी स्कैम से बचाना है। और फिर ये पत्थर वाली सरकार के लोग अब तो कहने लगे कि हम मूर्ति और स्मारक नहीं लगाएंगे। आपने भाषण सुना होगा, ये पत्थर वाली सरकार की नेता कह रहे हैं कि अब हम सरकार में आएंगे तो विकास करेंगे और पत्थर स्मारक और मूर्तियां नहीं लगाएंगे। इनका विकास तो हमने लखनऊ में देखा है, जो हाथी लगाए 9 साल पहले वो आज भी हाथी खड़े हुए हैं, और जो बैठे हाथी है आज भी बैठे हुए हैं। और इन पत्थर वाली सरकार के लगे हुए हाथी बैठे वाले खड़े नहीं हुए, खड़े वाले आज तक नहीं बैठे। तो इनका विकास तो हमने देख लिया। और जो कोई भी उनके दल से निकल के आता है वो कहता है हमसे नकदी ज्यादा मांग ली थी इसलिए हम उस दल में नहीं रह पा रहे, ये बोलो सच्चाई है कि नहीं है? इसलिए आपके सामने हम आपसे विशेष निवेदन और अपील करने आए हैं। ये चुनाव उत्तर प्रदेश का भविष्य बनाने का है। देश में कौन सी ताकतें आने वाले समय में राजनीतिक दिशा दें उसके लिए भी चुनाव है। जहां समाजवादियों ने काम किया है, लगातार चीजें जमीन पर उतारी हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने झूठा नारा देकर के गुमराह किया है लोगों को। अगर एक भी काम हमें भारतीय जनता पार्टी के लोग बता दें, हमारी एम्बुलेंस तो गांव में गरीब किसान की मदद कर रही है, बताओ बीजेपी वालों की एम्बुलेंस कहां है, कहीं देखी किसी ने? हम तो कोशिश कर रहे हैं शहरों में, जहां शहर है वहां कम से कम 24 घंटे बिजली पहुंचा दें और गांव में 16 और 18 घंटे बिजली उपलब्ध करा दें। अगर कोई सहयोग मदद की हो तो बताएं। हमारे किसान गन्ने वाले हैं, उनकी मदद कर दी, भुगतान करा दिया। अगर एक भी रुपए का सहयोग किया हो केंद्र सरकार में तो हमें बता दें। ये कहते हैं कि हम देश को डिजिटल इंडिया बनाना चाहते हैं,
ये चाहते हैं कि बीजेपी के लोग कि मोबाइल से हम पैसा लेन देन और बैंक चलाना सीख जाएं। हम तो जानते हैं कि नौजवान तो मोबाइल से गाना भी सुन लेता है और हमने तो लैपटॉप बांट के दिखा दिया। बताओ आपने लैपटॉप के अलावा कोई चीज बांटी हो तो बता दो। इसलिए इनसे सावधान रहना, इन्होंने झूठे सपने दिखाए हैं, झूठे सपने दिखाए इन्होंने और पूरे देश को गुमराह किया। ये हमें और आपको मौका मिला इनको जवाब देने का। इसलिए इस चुनाव में पहले चरण में तो बहुत हम लोग आगे हैं। आपके पड़ोस में ही पहला चुनाव हो रहा है, पहले चरण का चुनाव। बताओ समाजवादियों के पक्ष में माहौल है कि नहीं है? और जनता चाहती है कि समाजवादी और कांग्रेस मिलकर के एक बार फिर उत्तर प्रदेश में 300 से ज्यादा सीटें जीते हैं। इसलिए बिजनौर के लोगों पर भी हमें भरोसा है और खासकर अपने धामपुर के लोगों पर। मंत्री हैं आपके, इस बार ऐसा विभाग देंगे जिससे जनता की सीधी सीधी मदद कर सकें। और अगर इनका सम्मान भी बढ़ाना पड़ेगा तो हम पीछे नहीं हटेंगे इनका सम्मान बढ़ाने का। इसलिए धामपुर के लोगों, आपने इनकी परीक्षा कई बार ले ली है, आप इनको पहचानते हो, आपके बीच के हैं। इसलिए बिल्कुल भी कोई किसी की मत सोचना, केवल समाजवादी पार्टी की मदद करना, साइकिल चुनाव चिन्ह की मदद कर देना। जहां इनका चुनाव है वही हमारे अंसारी साहब का भी चुनाव है, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। नहीं, पहले कांग्रेस के यही प्रत्याशी हैं, हालांकि बहुत खुश हैं कांग्रेस के हमारे प्रत्याशी, क्योंकि उन्हें पता है वो भी विधानसभा में जा रहे हैं। और मुन्ना लाल प्रेमी, बड़े दिनों बाद मौका मिला इन्हें, पिछली बार चूक गए तो इस बार न चूको, इन्हें भी विधानसभा में भेज दो। हालांकि इन तीनों का तो है ही चुनाव, लेकिन बताओ असली चुनाव हमारा है कि नहीं है? इसलिए जो लोग कहते थे कि पांच पांच मुख्यमंत्री हैं, अगर उनका एक भी मुख्यमंत्री हो तो बता दो। पांच वाले एक नाम नहीं ले पाए सामने, और वहीं पत्थर वाली सरकार को कहीं मदद करोगे, पत्थर लगाएगी वो सरकार। अगर कोई है खुशहाली वाली और तरक्की के रास्ते पे ले जाने वाली पार्टी तो वो आपकी समाजवादी पार्टी है। हमने तो बिजनौर को मेडिकल कॉलेज भी दे दिया और सुविधाएं भी देंगे। ये जो हमारी माताएं बहने हैं, अभी तो इन्हें 500 रुपया महीना मिल रहा है, 55 लाख महिलाओं को पेंशन दी है। समाजवादी सरकार बनेगी तो 1 करोड़ लोगों को 1,000 रुपया पेंशन देने का काम समाजवादी लोग करेंगे। बच्चे जो हमारे पढ़ने जा रहे हैं सरकारी स्कूलों में, जो सबसे गरीब लोग हैं गांव के, जो सबसे गरीब हैं वही हमारे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। सरकारी पढ़ाई जो स्कूलों की है, हमें कहीं से अगर कंप्यूटर के माध्यम से भी उन्हें पढ़ाना पड़ा तो अलग से सुविधा करेंगे उसके लिए। और अभी तो गरीब बच्चों को हम ड्रेस दे रहे हैं, बैग दे दिया, बर्तन दे दिया है, हफ्ते में एक दिन दूध भी दे रहे हैं, हफ्ते में एक दिन फल भी दे रहे हैं। आने वाले समय में 1 किलो घी और 1 किलो मिल्क पाउडर भी उनको देने का काम समाजवादी तरफ से करेंगे, क्योंकि उनका भी स्वास्थ्य बेहतर हो, उन बच्चों का भी स्वास्थ्य बेहतर हो, उनका भी मन लगे पढ़ाई में। वहीं जहां समाजवादी लोगों ने पेंशन देने का काम किया महिलाओं को, वहीं अगर बस में उनको सरकारी चलना पड़ेगा, कहीं यात्रा पे जाना पड़ेगा तो उसके लिए 50% माफ कर दिया, 50% पैसा नहीं लगेगा उनके किराए में, उनको सुविधा देने का काम किया। हमारी माताएं बहनें खाना जल्दी बना ले तो उनके लिए एक प्रेशर कुकर देने का काम भी समाजवादी लोगों ने किया है। लैपटॉप बांट करके कम से कम 18 लाख लोगों को हमने लैपटॉप दिया, मदद हुई। आने वाले समय में सरकार से जोड़ने के लिए जानकारी मिल जाए आपको योजनाओं के बारे में,
और योजनाओं को कैसे काम कर सकते हो, कैसे जुड़ सकते हो योजनाओं से, रोजगार कैसे पा सकते हो, या रोजगार के बारे में जानकारी नौजवानों को मिल जाए। इसलिए हम आने वाले समय में स्मार्टफोन देने की भी योजना शुरू करने जा रहे हैं। बताओ किसी पार्टी के पास इतने अच्छे काम करने के फैसले हों तो बता दो। इसलिए जहां गन्ने के किसान की मदद की चीनी मिल नहीं बंद होने दी, क्योंकि एक बार तो बीजेपी के लोगों ने संकट पैदा कर दिया था, विदेश से चीनी मंगा करके हमारी चीनी मिलें नहीं चल पाती, हमें अपनी तरफ से भी मदद करनी पड़ेगी और किसानों को हमने पूरा का पूरा भुगतान कराने का काम किया। इसलिए साथियों, ये चुनाव उत्तर प्रदेश के भविष्य का है, साथ ही साथ हमारा और आपका चुनाव भी है। इसलिए हमारी मदद करना, साइकिल के चुनाव चिन्ह और कांग्रेस पार्टी के दोनों प्रत्याशियों को जिता देना, जिससे आने वाले समय में एक बार फिर हम उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार बनाने में कामयाब हो जाएं, बहुमत की सरकार बनाने में कामयाब हो जाएं और ऐसी सांप्रदायिक ताकतें जिन्होंने समाज में बांटने की कोशिश की, समाज में जहर घोलने की कोशिश की, उनको एक बार फिर करारा जवाब देने का काम मौका हम लोगों के हाथ से चूके नहीं। इसलिए मदद कर देना। जहां तक शेख सुलेमान साहब है हमारे, हमने बहुत परीक्षा ले ली, हमने और नेताजी ने इनकी बहुत परीक्षा ले ली। इस बार इन्होंने त्याग करके हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी की मदद कर रहे हैं, शेख सुलेमान साहब, और बहुत पुराने हैं शेख सुलेमान साहब। इसलिए शेख सुलेमान साहब का भी इस बार आने वाले समय में हम सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे। और राशिद भाई, मेहनत करना जिससे हमारे तमाम लोग जीत जाएं, यहां तो करना ही करना, वहां भी मदद करना हर विधानसभा में। इसलिए इस चुनाव को आप अपना चुनाव समझना। और हमारे समाजवादी साथी जानते होंगे कि बड़ी मुश्किल से साइकिल बची है, एक बार लगा कि साइकिल हम लोगों से छूट ना जाए, लेकिन बताओ अब साइकिल को आगे बढ़ाओगे कि नहीं बढ़ाओगे, हमें एक बार फिर मौका दोगे कि नहीं दोगे, ये बताओ। अगर आप मौका देना चाहते हो तो साइकिल और कांग्रेस पार्टी के दोनों प्रत्याशियों को जिता देना, जिससे एक बार फिर बहुमत की सरकार बना दें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव, वो नहीं बोले ये बोलिया। एक सूरज से दिल नहीं भरता, घर घर सूरज खिलने दो।